15 जनवरी से श्री राम मंदिर अनुदान धन संग्रह के लिए अनुदान वाराणसी में शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत वाराणसी की पहली नागरिक मेयर मृदुला जायसवाल ने की। उन्होंने मंदिर के लिए 1,01,000 रुपए का अनुदान दिया है। श्री राम मंदिर धन संग्रह अभियान वाराणसी में 1 माह तक चलाया जाएगा। महापौर मृदुला जायसवाल ने कहा कि ये अनुदान एक मेयर की तरफ से नहीं बल्कि पूर्व सांसद और मेयर मृदुला जायसवाल के ससुर स्वर्गीय शंकर प्रसाद जायसवाल के रघुनाथ सेवा न्यास की तरफ से है। कहा कि राम जन्मभूमि के आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये उसके लिए एक छोटी सी कोशिश। शंकर प्रसाद जायसवाल ने राम जन्मभूमि के लिए जो लड़ाई लड़ी थी वो आज स्वरूप ले रही है। महापौर ने पूरे शहर के लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि सभी लोग राम मंदिर के लिए अनुदान करें। ये अनुदान मेयर की तरफ से नहीं, शंकर प्रसाद जायसवाल जी के जो परिवार है जिन्होंने श्री रघुनाथ सेवा जो न्यास बनाया है उसकी तरफ से है। और इनका जो बलिदान शुरुआत हुई थी राम जन्मभूमि के आंदोलन से, ये उसके लिए एक बहुत छोटी सी जो एक अनुदान के रूप में हम लोग उनके एक याद में दे रहे हैं शंकर प्रसाद जायसवाल जी के, कि उनका जो बलिदान है वो खाली ना जाए और राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी वो आज एक स्वरूप ले रहा है राम मंदिर के रूप में, जिसमें हम लोग पूरे शहर से ये आग्रह करते हैं कि आप अपना अपना अनुदान इस राम मंदिर बनाने में करें और इसके लिए हम लोग पूरी आंदोलन के साथ ये काम। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंद्रीय कार्यकारिणी मंडल के सदस्य अजीत प्रसाद महापात्र ने कहा कि श्री राम मंदिर के लिए किया जा रहा अनुदान सिर्फ धन संग्रह का विषय नहीं बल्कि श्रद्धा भक्ति और समर्पण का विषय है।